हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जुलाई 2019 में सीटेट के पेपर हुआ था, उसके जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट हैं वो डिजीलॉकर पर आए हैं, लेकिन बहुत से लोगों के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डिजीलॉकर ओपन किया, 4-digit PIN डालेंगे इस पे हम। अब गेट मोर पर जाएंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि सीबीएसई देखा, सीबीएसई हमारे पास है हीरा। इसके बाद हम इस पे देखेंगे कि जो हमारा सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, हम सर्टिफिकेट देखते हैं डाउनलोड कर। इसमें हमने अपना रोल नंबर फिल किया, और ईयर ऑफ पासिंग 2019, और जुलाई की जगह हमने जे यू एल फिल करना है, तो JUL। इसके बाद हमें गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा, तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, ट्राई अगेन। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है हम देखते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो इससे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे सीटेट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट के, उसके क्यूआर कोड को स्कैन करने पर हमें जुलाई 2019 की जगह दिसंबर 2018 शो हो रहा था। आइए देखते हैं एक डेमो के थ्रू। हम क्यूआर कोड पर गए, हमने पहले से ही एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हुआ है, उसको स्कैन करते हैं। जैसे ये जो सर्टिफिकेट है, देखिए ये जो है जुलाई 19 का है। अब इसका अगर मैं क्यूआर कोड स्कैन करूं, क्यूआर कोड को अगर स्कैन करते हैं, तो सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ आ रहा है ऊपर दिसंबर 2018, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो जुलाई 19 की जगह दिसंबर 18 लिखा हुआ शो। क्यूआर कोड स्कैन करने पर ऊपर जो सीटेट दिसंबर 2018 लिखा हुआ है, वहाँ पर जुलाई 2019 शो होना चाहिए, बट यहाँ तो 18 शो हो रहा है। इसी प्रॉब्लम के चलते सीटेट ने सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट डिजीलॉकर से हटा दिए हैं, और ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जल्द ही वो अपलोड कर देंगे ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म करने के बाद, तब आप अपना सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम सीटेट से रिलेटेड न्यू वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू।